हुण दिल्ली दे करोल बाग तो एक खबर सामने आई है जिथे वख-वख फैक्ट्रियां दे विच बाल मजदूरी करदे 25 बच्चियां नूं छुड़वाया गया जिन्हां दे कोलों 18-18 घंटे जबरदस्ती काम लिया जांदा सी। पुलिस एनजीओ अते लेबर डिपार्टमेंट दी सांझी मुहिम दे तहत कामयाबी हाथ लगी है। जिन्हां हत्थां दे विच पेन अते किताबां होणियां चाहीदियां ने उन्हां मासूम हत्थां तों 18-18 घंटे फैक्ट्रियां दे विच कम कराया जांदा है। ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੋ ਐਕਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ही मासूम बच्चे पश्चिमी बंगाल दे रहने वाले ने अते इना बच्चियां कोलों कथित तौर ते मालिक वालों रात 2 बजे तो लेके रात 9 बजे तक कम करवाया जांदा सी। देखिए बचपन बचाओ आंदोलन की शिकायत पे जो सेंट्रल दिल्ली दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है जिसमें दिल्ली पुलिस है, श्रम विभाग है, एसडीएम साहब के लीडरशिप में ये कार्रवाई की गई और जिसमें करीब 22 बच्चे अभी रेस्क्यू हुए हैं ज्वेलरी के कारखानों से। बहरहाल फैक्ट्री मालिका की पुलिस सरगर्मी के नाल तलाश कर रही है जो इन्हों बच्चों तो जबरन कई घंटे कम ले रहे सन। फिलहाल एसडीएम के आदेश से फैक्ट्री मालिका के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। न्यूज डेस्क तो गुरमीत चौधरी के नाल कमल कांसल, पीटीसी न्यूज दिल्ली।